हज़रत वक्त हुआ है शुब का ज्यादा और शुबा अजीब वरीब है व यूँ कि एक मीडिया स्कॉलर कहते हैं कि कुरान वो मज़लूम किताब है जो दुनिया में बग़ैर समझे पढ़ी जाती है हाफिज़ को डिग्री नहीं जारी होनी चाहिए जब तक कि वह कुरान का तर्जुमा ना जानता हो और कुरान तर्जुमे के बग़ैर छापना जुर्म होना चाहिए आप इस पर क्या फरमाएँगे अच्छा। <laughs> <laughs> बहुत, बहुत सखील बात की <laughs> वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया अच्छा अगर बगैर समझे कुरान पढ़ना जुर्म होना चाहिए तो फिर तो बहुत सी चीजें दुनिया में हैं जो बगैर समझे नहीं करनी चाहिए बगैर समझे खाना भी जुर्म होना चाहिए बगैर समझे पीना भी जुर्म होना चाहिए हम जो कुछ खाते हैं हम उसको समझते कहाँ हैं इतना ही पता होता है ना कि फला सब्जी है उसकी अजय तरकीबी उसके हकाइक फवायद, मुनाफे हमें क्या पता होते हैं नहीं पता होते खाते हैं सेब अनार अंगूर सुबह शाम खा रहे हैं लेकिन खाने वाले को पता ही नहीं कि इसकी अजाए तरकीबी इसके हक़ क्या हैं जिसका आप कहें कि तर्जमा उसके असल उसका रूट क्या है कुछ पता नहीं खा रहे हैं पानी पी रहे हैं कितने पानी के क्या मुनाफे हैं हरे को पता नहीं कितने मशरूबात पिए जा रहे हैं तो बगैर समझे पिए जा रहे हैं और अंदर बगैर समझे सारा जो है वो अपना प्रोसेस हो रहा है हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है ठीक है इसे कपड़े कितने कपड़े पहने जा रहे हैं मलबूसाते हैं जिनकी हकीकत को समझते नहीं कि ये कैसे बनाए इसकी अजय तरकीबी क्या है तो अगर ये बात है तो बगैर समझे कुरान पढ़ना जुर्म है तो सबसे पहले तो मीडिया स्कॉलर साफ दुनिया में कितना कुछ खाते होंगे कि जिनको खुद भी समझते नहीं लेकिन वहां वो यही कहेंगे कि नहीं नहीं मैं समझ के खाऊं या बगैर समझे खाऊं नफा तो दे रही है ना मेरी सेहत तो बन रही है मुझे सारे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं है सारे कैलोरीज मुझे मिल रहे हैं ये कहेगा ना तो जब नफा मिल रहा है इस वजह से आप खा रहे हैं बगैर समझे तो कुरान अगर आप पढ़ रहे हैं भले आप नहीं समझ रहे उससे नफा हो रहा है या नहीं इसका जवाब दें यकीनन हो रहा है हो रहा है यकीन हो रहा है जब हो रहा है नफ़ा तो फिर आपका सवाल ही लाइन है आपको यह बहस करने की जरूरत ही नहीं कि क्यों पढ़ते हो बगैर समझे क्योंकि नफा तो हो रहा है ना जब आपका खाना पीना यहां तक दवाएं आप खाते कितनी वो केमिस्ट को पता है कि इसकी अजय तरकीबी क्या है मरीज को पता ही नहीं उसको नफा हो रहा है या नहीं yes. अब मरीज क्या कि मुझे इंग्रीजियंस याद कराओ वो क्या भाई आप डॉक्टर कह गए खाओ ठीक बस हमने कह दिया खाओ तो लिहाजा आपको नफा हो रहा है आप ठीक हो हैं है, है? तो जब दुनिया में इतनी चीज़ें बगैर समझे खा रहे हैं आपको नफ़ा हो रहा है उस नफे को आप जो है वो बस तकिया करते हैं कि नफ़ा हो रहा है यार छोड़ो उसके अजय की भी याद करना क्या जरूरी है तो कुरान करीम जो है जब आप तिलावत करते हैं तो इसका जवाब दे नफ़ा हो रहा है या नहीं नफ़ा हो रहा है तो आपका सवाल और आपका नजरिया ला या नहीं और अगर नफा नहीं हो रहा तो दलील पेश करें इस पर कि नफ़ा नहीं हो रहा और पेश कर भी नहीं सकते क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर समझे कुरान पढ़ने का नफा चौदह सौ साल पहले बयान कर दिया यानी नबी ने क्या फरमाया सही हदीस में अब्दुल मसूद रजी फरमाते हैं कि नबी करीम वसल्लम ने इशात फरमाया कि कुरने करीम की जो है एक हरफ पर दस निकियां मिलती हैं ठीक और मैं नहीं कहता कि अलीफ लामीम एक हरफ है बल्कि अलीफ हरफ उन मारफून मीम हारफून तीन रफ होगा ना तीस नकियां अलीफलामीम का तर्जमा बताइए किसी को नहीं पता तो नबी पाक ने ऐसा लफ्ज चूज, चूज किया ताकि ऐसे मीडिया स्कॉलर उनका मुंह तोड़ जवाब हो जाए कि तर्जमा नहीं भी पता फिर भी सवाब मिल रहा है और नबी जमाने दे रहे तीसरेकियां मिल रही क्योंकि अलीफलामीम का तर्जमा किसी को पता नहीं किसी तफसीर में नहीं लिखा बल्कि जितने हरूफ मुखत्ता काफा यानस्वाद हामी में काफ काफ नून उसका किसी का तर्जुमा नहीं उर्फ का कोई तर्जा नहीं अल्लाह वसूल आलम लिख देते मुफस्सरी, तो आप उसके उस सवाब के कायल हैं या नहीं आप कायल हो या नबी का इर्शाद मौजूद है कि तीस नैकियां मिलती बल्कि हजर हिम थानी रहमत लरमाते हैं फिलह पर नबे नकियां मिलती हैं वो कैसे कहते नबी ने यह एक हरफ पर दस निया जब अलिफ बोलते हैं तो तीन अरब मुंह से निकलते हैं अलिफ अलिफ लाम और फा तीन अरफ निकले फरमाए इस पर तीसरे किया फिर कहते हैं लाम लाम बोलने पे तीन हर्फ निकलते हैं लाम अलिफ और मीम तीसरे किया।, तो किया फिर जब हम कहते हैं मीम तो तीन हर्फ निकले मीम या और मीम तीस ने किया फरमाते अलिफ लाम मीम पर नब्बे नेकियों की जमानत है तर्जिमा किसी को पता नहीं तो ऐसे मीडिया स्कॉलर के मुंह पर तो ये मुंह तोड़ जवाब नबी ने चौदह सौ साल पहले दे दिया तर्जमा नहीं आता उस सवाब दिया जा रहा ठीक है ना लिहाजा पहली बात हुई कि नफा ही नफा है उसकी तिलावत में और यह कहना कि मजलूम किताब है मैं कह तो कमाल किताब है कि दुनिया में बगैर समझे पड़ी जा रही है दुनिया में कोई किताब ऐसी जो बगैर समझे कोई माई का लाल पड़े दो सतरे नहीं पढ़ सकता बगैर समझे कहते यार समझ नहीं यार छोड़ो लेकिन कुरान का कमाल है कि बगैर समझे दुनिया जो है लाखों करोड़ों दुनिया पढ़ रही सुबह शाम समझ नहीं आ रही आखिर उसमें कौन सा ऐसा चाशनी है कौन सा ऐसा राज है भाई कि बगैर समझे पढ़ी जा रही है तो मजलूम नहीं बा कमाल है क्योंकि यही तो डिफ्रिशिएट है कि अल्लाह की किताब और दुनिया की किताबों में कि दुनिया की किताबें जब तक समझ में ना आए तो इंसान पढ़ता नहीं और अल्लाह की किताब का यही कमाल है कि ये समझ आए ना आए तो इंसान पढ़ने से हटता नहीं ऐसे ही है पढ़ने से हटता नहीं तो इसलिए ये बात उनकी जो है वो मुझी का खेज है कि वो कहते हैं जी समझ के बगैर और फिर अगे। दूसरी बात यह कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक बता रहा है कि शाद है वैजा कुरियन लालमून कि जब कुरान पढ़ा जाए तो तवज्जो से सुनो ंशी तौर खामोश रहो ताकि तुम पर रहम नाजिल किया जाए रहमत नाजिल की जाए तो नजूल रहमत की बुनियाद दो चीजें करार दी क्या कि तवज्जो से सुनना और खामोश रहना यहां ये कहा लिखा कि तर्जमा समझ के सुनना नहीं कहा इसका मतलब कुरान भी मौजूद है कि बगैर तर्जमा समझिए आप अगर सुन रहे हैं उस सुनने पर अल्लाह तबारक वालमत नाजिल कर रहे हैं क्योंकि वस्ता का मतलब तोज्जो से सुनो और सुन रहे हैं उस सुनने पर आपको जो लुत्फ आएगा जो आपके कलब के अंदर जो मोहब्बत इलाही घुसेगी वो आप तस्वर तो नहीं कर सकते क्यों इसलिए दुनिया के एक बुलबुल बुल नगमा गाती है बुलबुल बुल नगमा गाती है उस बुलबुल बुल नगमा सुन के आप झूमते हैं परे चहचाते हैं उनके चहचहाट पर आपकी जो जहरी रूह को तस्कीन मिलती है, है ना आप झूमते हैं वाह वाह क्या परिंदा बोल रहा है लेकिन वो क्या उसका तर्जमा क्या आपको पता है नहीं लेकिन आप उसकी जहरी आवाज से जो लुत्फ ले रहे हैं है तो एक परिंदा जो जो खुदा ने पैदा की उसकी अजना मखलूक उसकी चहचाहट पर आपको लुत्फ आता है और खुद अल्लाह का कलाम आए और आपको लुत्फ रहा है इसके आपके रूह की खराबी है कि आप कहते हैं कुरान समझे बगैर सुनना या पढ़ना उसका क्या फायदा आपको एक परिंदे की चहचाहट तो फायदा पहुंचाए जबकि आप उसके मजामीन की खबर नहीं है इसे इमाम रूमी फरमाते हैं ना कि परिंदे की चहचाहट की नकल करने वाला तो चहचाहट की तो नकल कर लेगा उसके नगमी तो नकल कर लेगा उसके अंदर जो मजमून बयान कर रहा है वो वो मजमून कि जानवर और जो बोलते हैं उसके पीछे को मजमून होता है वो किसी कोई किसी उनवान पर बोल रहा होता है गुफ्तगु कर रहा होता है और वो सारी परिंदों की बोलियां पहचानते और जानते थे क्या बातें हो रही लेकिन आप चहचहाट पर झूमते हैं तो करीम का कलाम ऐसा उसका जेरो बम और खूबसूरती हुसन ऐसा है कि इंसान तिलावत हो तो इंसान झूमता है, है और उसी पर उसकी रूह कीजा होती है ठीक है ना लिहाजा ये धोखा देना कि जो समझ में ना आए तो उसका पढ़ना सुनना यार इसके बेकार है कुरान की नस है कि वही जाओ कुरियल कुरानू है फस्तमय यू रहो तो से सुनो है वन तो खामोश रहो लाल तो तरह जाकर तुम पर रहम किया जाए मीडिया से मुझे जवाब दे दें अगर इतने एटम कुरान बनते हैं इस आयत में अल्लाह ने तर्जमे के कैद क्यों नहीं लगाए के समझ के सुने ये क्यों नहीं कहा से सुने कहा और तवज्जो से सुनने का मतलब ज़ाहिर अल्फाज से ताल्लुक है उसके मानी और मारिफ से ताल्लुक़ नहीं है जो खामोश रहे तो इसका मतलब है कि आप जो है कुरान के खिलाफ भी एक बात फैला रहे हैं खाम खा कि जी कुरान का तर्मा पता होना चाहिए असल में बात यह आप अगली स्टेप की एक बात कर रहे हैं ये अगला एक स्टेप है ये मतलब मिसाल यूं समझे। एक ना कि तर्जमा भी समझ में आना चाहिए भी लगाइए ही ना लगाइए तर्जमा भी समझ में आना चाहिए भी ताकि अल्लाह क्या कहते ये पता हो तो ये अच्छी बात है आप अगले स्टेप की बात करके पिछले की नफी कैसे कर सकते हैं एक बंदा साइकिल चला रहा है बेचारा आप कह रहे नहीं साइकिल चला रहे जुर्म होना चाहिए मोटरसाइकिल चलाइए एक मोटरसाइकिल चला रहा है, है आपके नहीं मोटरसाइकिल जुर्म हो चाहिए आप कार चलाइए तो आप अगले स्टेप की बात कर रहे हैं ठीक है आप कह रहे हैं कि तर्जमा आना चाहिए हाफजों को भी मुसलमानों को बड़ी अच्छी बात है लेकिन आप नफसे बगैर तर्जुमा जाने कुरान की तिलावत को जुर्म करार क्यों दे रहे हैं इसकी दलील आपके पास क्या है ठीक है ना फिर दूसरी बात यह कि आप असल में आप असल में तिलावत से हटके तालीम की बात कर रहे हैं क्योंकि नबी करीम के चार वजीफे मनसब मन थे पहला की आयतों की तिलावत उजहरी, उजहरी अल्फाज की तिलावत होती दूसरी तज़किया नफ्स आप दिलों को पाक करते थे और तीसरा व्यूअली महमूल किताब कुरान की तालीम किताब की तालीम देते थे तालीम का मतलब क्या उसके मानी उसके मारी उसका तर्जमा उसके हक बताते थे और व, 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 हिकमा और हिकमा वे ऑफ लाइफ यानी सुन्नत बताते थे ये चार है ना तो पहला यतुललीम तिलावत तो तिलावत के अंदर तो तर्जमा मतलूब ही नहीं है आप तिलावत करें उसके अल्फाज की तहसीन उसकी तजवीज़ उसकी खूबसूरती तलावत करें और हर हरब पर आपको नीकियाँ मिल रही है बल्कि इमाम गजाली रहमत लिवायत नकल की कि अगर जो है वो नमाज की हालत में खड़े होकर कुरान की तिलावत करें तो एक हड़ब पर सौ नकियां मिलती हैं हाँ और फरमाया के नमाज की हालत में बैठ के अगर तिलावत करें तो एक हरब पर फरमाया के पचास नकियां मिलती हैं और फरमाया खारज नमाज के अंदर अगर खड़े होकर तिलावत करें तो एक हरब पर पच्चीस नकियां मिलती हैं और खारज नमाज में बैठ के तिलावत करें तो एक हरब पर फरमा दस नकियां मिलती हैं और दस बजे के मैंने आपको बयान की तो, तो नफे से खाली नहीं है जब नफे से खाली नहीं है तो आपकी बहस ही गलत है ठीक है तो खैर तो कहने का मकसद यह है कि कुरने करीम जो है ये तो तिलावत की बात हो रही है तिलावत इंसान कर रहा है हाफ तिलावत कर रहा है और तरावियों में तिलावत सुना रहा है हम तिलावत सुन रहे हैं और कुरान ने कह दिया आप चुप करके सुने बस खामोशी से तो तरजिमे की तो बात ही नहीं आप तो वही किताब तालीम किताब अगले स्टेप की बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है एक हाफ कुरान आलिम कुरान भी हो तर्जुमा भी जानता हो उसके की भी जानता हो बहुत अच्छी बात है वो तो आलिम दीन हो जाएगा लेकिन सिर्फ कुरान तीस बारों का हिफज कर लेना ये खुद इतना बड़ा मनसब है कि हदीस में आता है कि मन कुरान फस्ताजा हरा हु जिसे कुरान को तिलावत किया उसको याद कर लिया हिफज कर लिया है और हलाल को हलाल हराम को हराम समझा तो जाहिर है कि हाफज कुरान जो है हिफज करता है वो हलाल हलाल आराम हराम समझता है ना वो इतना इतना जरूरियात दीन तो उसको पता ही है पाकी ना पाकी क्या है हलाल आराम क्या है तो फरमाया तो ये अपने जो है दस ऐसे आदमियों को कल रोज एक क़्यामत में सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा कि वजह लोहमजन्ना जिनके लिए जहन्नम जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उनकी सिफारिश करेगा उन दस लोगों की और उनके जन्नत में ले जाएगा नफ से हाफ कुरान का इतना बड़ा मुकाम और आलिम कुरान आलिम की तो बात ही क्या है आलिम तो वरसुद वर्सुलांबिया है कि जो हाफज कुरान आलिम कुरान और आलिम भी सुनना हो तो अगला एक मनसब है ठीक है वो बड़ी अच्छी बात है लेकिन आप हाफिज को वो कर रहे हैं एक बगैर समझे तिलावत करने वाले को आप डिस कर रहे हैं इसका मतलब है आप किसी साजिश का शिकार हैं कि आप कुरान से दूर कर रहे हैं लोगों को जो बेचारे तर्जमा नहीं जानते उनको दूर कर रहे हैं ये ये हाँ ये कहें कि ठीक है बहुत अच्छी बात है तिलावत के बड़े मुनाफे हैं बड़े सवाब हैं लेकिन आप तर्जमा भी सीखें भाई तर्जमा भी आना चाहिए तो ये अगले स्टेप की आप तालीम दे रहे हैं लिहाजा इसलिए आप ये जो कि ये साजिश है कि जो से दूर करने के अल्लाह के कलाम से दूर करने का और जबकि अल्लाह का कलाम मैंने बताया नफ़े से खाली है नहीं भले समझ के करे या बगैर समझ के करे नफ़े नफा है एक डॉक्टर सेब खाता है जिसको सारी उसकी जो है वो वह वाइटाम इंग्रीडियंट पता है उसको भी सेब उतना ही नफ़ा देता है एक ना जानने वाला सेब खा उसको भी उतना ही नफा मिलेगा ऐसे ही तो कुरान करीम आलिम तिलावत करेगा उसको भी दस नकियाँ मिल रही हैं जो गैर आलिम करेगा उसको भी उतनी ही नकियाँ मिल रही हैं जैसे नबी ने निशाद फरमाया कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया ठीक है ना इसलिए जहन्न, पूछा जाएगा कि यारिशे क्यों क्यों पूछेंगे तो उस पर क्या कहेंगे? और ना मा फी अगर हम सुनते हम सुनते या खुद अकल रखते तो आज हम जहनो वालों में से न होते मतलब हमने गोया के कुरान को सुना भी नहीं और हमने समझा भी नहीं हम कमल को सुनते ही है नसीहत वालों की नसीब सुनते अल्लाह के कलाम को सुनते तो सुनकर उनकी पैरवी करने लग जाते उनके रास्ते पर चलते तो भी हम बच जाते हमने ये भी नहीं किया और ख़ुद अपनी अकल भी नहीं थी कि हम खुद उसमें से हक समझे कि क्या है हमने वो रास्ता भी इख्तियार नहीं किया जब दोनों रास्ते इख्तियार नहीं किए हम जो जहन्नम के ईंधन आज बन गए अगर हम कम पहला रास्ता इख्तियार कर लेते मतलब कि कुरान करीम समझाने वालों से सुनाने वालों को सुने और सुन के आप जो सीधे रास्ते चलते रहें इसमें भी निजात है तो लिहाजा उनका यह कहना जो है ये खिलाफ कुरान और खिलाफ कायदा भी है और ये गोहे कि कुरान के खिलाफ एक साजिश है कि वह कुरान से उम्मत को दूर करने की साजिश है इसलिए उन इस मीडिया स्कॉलर को मेरी नसीहत यह है कि वो नजर षानी करें और वो इस किस्म के डकोसले फैलाने के बजाय अल्लाह के कुरान के साथ उम्मत को जुड़े आज तिलावत करेगा कल को उसकी तालीमी किताब का भी शौक़ उस पर पैदा होगा आगे बढ़ेगा ऐसे ही बहुत बहुत खूब बहुत शुक्रिया बात कर दिया आपने बहुत खूब Thank you so very much.